हेलो दोस्तों कैसे हैं उम्मीद है अच्छे होंगे तो चलिए आज मैं जा रही हूँ सिंगारे के आटे का पकौड़े बनाने जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होते हैं तो चलिए पहले हम लोग सिंघाड़े के आटे को अच्छे से छन्नी की सहायता से इसे छान लेते हैं इधर मैंने छन्नी लिए है उसमें एक कटोरी आटे डाले और इसे अच्छे से छान लें जिस तरह से मैंने यहाँ पर छाने उसी तरह से आप भी इसे साफ कर ले अच्छे से उसके बाद में मैं इधर उबले हुए आलू लिए हैं जिसे आप छिलका हटा लें और मटर लिए हुए हैं जिसे आप मिक्सी जार में मिक्सी डाल करके सबसे पहले आप मटर डालें उसमें लहसुन छः से सात कलियाँ मैंने लिए हैं आधे इंच अदरक के टुकड़े लिए हैं जिसे आप डाले ग्रीन मिर्च के डंटियाँ हटा लें और उसे भी इसमें डाल करके काले मिर्च और जीरा थोड़े से मैंने एक चम्मच के लगभग लिए हैं सबको डाल करके एक से दो चम्मच पानी डाल करके आप पीछे इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें यहाँ पे मैंने जिस तरह से इसका फाइन पाउडर ना बनाए थोड़े से पेस्ट की तरह इसे बनाए इधर मैंने आप देख सकते हैं छन्नी से मैंने आटे को भी अच्छे से छान लिया है यहाँ आप देख सकते हैं मटर का पेस्ट बन चुका है जिसे आप इसमें डाल दें एक से डेढ़ चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर नमक लिए हैं आलू को इसमें डाल करके अच्छे से मैश करें अच्छे से ये मैश हो जाए तो इसमें आप एक से दो चम्मच के लगभग पानी ऐड करके इसे अच्छे से आटे की तरह अच्छे से इसे मिला लें इसमें सूखे मसाले भी कुछ ऐड कर ले जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है सब्जी मसाला डाला है गरम मसाला डाला है इस तरह से हल्दी पाउडर आधी चुटकी के लगभग आप डाल दें अगर कलर कम लगे तो फिर बाद में आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से सारे मसाले को और सारे सामग्रियों को अच्छे से आप मिक्स करें और मिलाए और धनिए की पत्ती भी आप इसमें डाल लें जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से आप भी इसे अच्छे से मिलाएं दो से तीन चम्मच पानी में अच्छे से आटे अच्छे से मिल जाते हैं और गुथ जाते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे आलू को मैश किया है उसी तरह से आप भी मैश करें और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें जिस तरह से मैं यहाँ पे मिला रही हूँ लगभग इसमें एक से दो चम्मच ही पानी लगेंगे अधिक नहीं लगेंगे नहीं तो गीला हो जाएगा और पकौड़े बनाने में आपको परेशानी आएगी इसलिए आप एक से दो चम्मच की ही मैंने अंदाज से यहाँ पर लिया है आप इसी तरह से मिला मिला करके अच्छे से इसे मिक्स करें और इसे दो मिनट के लिए आप रेस्ट पे छोड़ दें जिस तरह से मैंने यहाँ पे छोड़े हैं रिफाइन तेल आप थोड़े से लगा करके इसे रेस्ट के लिए छोड़ दे उसके बाद में हाथों में आप थोड़ा सा तेल लगा करके इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएं जिस तरह से मैंने यहाँ पे हाथों पे तेल लगा करके इसे बनाया है उस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी गोल गोल राउंड शेप दे करके आप टिक्कियाँ सारी तैयार कर ले सबसे पहले उसके बाद पैन गर्म करें उसमें एक से डेढ़ चम्मच के लगभग तेल ऐड करें और गोल गोल टिक्कियाँ का आकार देते हुए इसे तवे पे, तवे या पैन पे आप डालते जाएं, एक एक करके डालें और एक बार में ज़्यादा ना डालें नहीं तो आपको पलटने में परेशानी होगी इसलिए थोड़े से अच्छे से सात टिक्कियाँ डाल करके उसको ऊपर से एक से डेढ़ चम्मच पानी तेल डाल करके आप अच्छे से इसे मिक्स करें और गोल्डन होने तक दोनों तरफ से इसे सेकें अच्छे से सेक करके इसे पकाएं और करारे होने दें इतने क्रिस्पी और टेस्टी यम्मी होते हैं ये कि आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे और अपने परिवार फैमिली को खिलाएं, और सॉस चटनी के साथ इसे सर्व करें तो चलिए मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ इस तरह से आप भी सर्व करें कैसा बना इसे इंजॉय कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट कीजिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू